पैराग्राफ है, माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेट थ्रोन इन दी गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिजल्ट अगेंस्ट सो फार एज आई एम कंसर्न। माई डिजायर, मेरी इच्छा या मेरी अभिलाषा का, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेट थ्रोन इन दी गंगा, गंगा में मेरे राख के फेंके जाने, एक मुट्ठी फेंके जाने का, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस फिंगर, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। अर्थात इसका जो है कि मेरी अभिलाषा जो है गंगा में, गंगा के इलाहाबाद में, इलाहाबाद की गंगा में जो है एक मुट्ठी राख फेंके जाने का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, सो फार एज, जहाँ तक आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, तो जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इलाहाबाद की गंगा में, इलाहाबाद की गंगा में एक मुट्ठी राख फेंके जाने का मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन दी मैटर, और इस मामले में मेरी कोई धार्मिक जो है भावना भी नहीं है, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं संबंधित रहा हूँ, टू दी गंगा एंड दी जमुना रिवर इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा और यमुना से मैं संबंधित रहा हूँ, इवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, तो मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद की यमुना और गंगा नदियों से संबंधित रहा हूँ। एज आई हैव बीन गोल्ड होल्डर, और मैं वहीं पर जो है बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, तो ये संबंध भी और बढ़ गया है। आई हैव वॉच देयर वेरिंग, मैंने देखा है देयर वेरिंग मूड्स, उनके बदलते हुए अवस्थाओं को, एज सीजन चेंज, जब मौसम बदलते हैं, तो जब मौसम बदलते हैं तो मैं उनके बदलते हुए अवस्थाओं को भी देखा है। एंड है ऑफन थॉट, और प्रायः सोचा है, आप द हिस्ट्री माने इतिहास के विषय में, एंड द माइथ और पौराणिक कथा के विषय में, एंड ट्रेडिशन और परंपरा के विषय में, एंड द सांग और गीत के विषय में, एंड द स्टोरी और कहानी के विषय में भी, दैट हैव बिकम अटैच, जो संबंधित हो चुकी है, टू देम माने उनसे, थ्रू द लैंग्वेज, काफ़ी युगों से, जो काफ़ी युगों से उनसे संबंधित हो चुकी है, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और बह उनके बहते हुए पानी का एक भाग हो गया है। द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। द गंगा स्पेशली विशेष रूप से इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है विशेष रूप से भारत की नदी है। अवेलेबल फॉर पीपल, और भारत के लोगों की प्रिय है। राउंड हिट, जिसके चारों ओर आर इंटरट्वाइंड हर रेशियल मेमोरीज, जिनके चारों ओर है उसकी जातीय स्मृतियाँ, हर होप्स, उनकी आशाएँ, एंड फियर्स, और उनके भय, हर सांग ऑफ ड्रम, और उसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज, और उनकी जय, और हर डिफीट, और उनकी पराजय जो है क्या है, गुथे हुए हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और सी हैज़ बीन ए सिंबल, वो प्रतीक रही है ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर, भारत के जो है लंबे युगों से सांस्कृतिक और जो है सभ्यता की, संस्कृति और जो है सभ्यता की जो है काफ़ी युगों से जो है क्या रही है, प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलती रही है। ईवर फ्लोइंग, जो हमेशा बहती रही है। एंड एट ईवर द सेम गंगा, और अब भी वही गंगा है। सी रिमाइंड्स मी द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, सी रिमाइंड्स, वो मुझे याद दिलाती हैं आप द स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ मुझे याद दिलाती हैं। एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियाँ मुझे याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत अधिक चाहा है। एंड ऑफ द रिच एंड द वाइट प्लेन बिलो, और जो उनके उपजाऊ और विशाल तराई के जो मैदान हैं उनको मैंने बहुत चाहा है। फेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरा कार्य जो है ढाला गया है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इलाहाबाद में रहते थे, और वो यहीं पर उनका जीवन हुआ है, और उन्होंने जो अपना बचपन ही बिताया है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है
कि हिच आई हैव लव फॉर सो मच, मैंने इतना अधिक चाहा है। एंड द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, तराई के विशाल मैदानों को और उपजाऊ उद्यानों को इतना अधिक चाहा है। वेयर माई लाइफ, जहाँ की मेरा जीवन और कार जो है क्या किया गया, हैव बीन कास्ट, ढाला गया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकाल सूर्य की रोशनी में गंगा जो है मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज इवनिंग शैडोज फॉल, और जब सायंकालीन जो है परछाइयाँ होती हैं तो वो गंगा जो है उदास दिखाई देती हैं और रहस्य से युक्त दिखाई देती हैं। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जाड़े की ऋतु में वो जो है बिल्कुल सकरी दिखाई देती हैं और धीमी गति दिखाई देती हैं और एक शानदार धारा के रूप में दिखाई देती हैं। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और बरसात के समय में वर्षा ऋतु में मानसून में जो की अवधि में वो एक जो है विशाल जो है गर्जना करती हुई प्रतीत होती हैं। अब्रोड पूजम ऑलमोस्ट एट द सी, और करीब करीब जो है एक चौड़े जो है सीने वाली जो है समुद्र की तरह दिखाई देती हैं। विद दी समथिंग ऑफ दी सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ कुछ जो है गंगा कुछ कुछ जो है समुद्र के शक्ति की तरह नष्ट करने वाली दिखाई देती है। दी गंगा हैज बीन टू मी सिंबल एंड मेमोरी ऑफ दी पास्ट ऑफ इंडिया, तो गंगा जो है भारत के विगत की जो है मेरे लिए एक प्रतीत और अस्मित रही है। और रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से बह करके इन दी फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में जो है एक महान सागर की ओर बह रही है। माई डिजायर टू हैव हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन दी गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में मेरे राग की जो है एक मुट्ठी छोड़ने का मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार आज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस मामले में मेरा कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच द गंगा एंड यमुना रिवर इन इलाहाबाद इवर सिंस इन माई चाइल्डहुड, मैं जो है अपने बचपन से ही इलाहाबाद की यमुना और गंगा नदियों से संबंधित रहा हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और मैं वहीं पर जो है मेरा जीवन जो है बड़ा हुआ है। दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, तो ये संबंध भी और बढ़ गया है। आई हैव वॉच देयर वेयरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज, जब मौसम बदलते हैं तो उनके बदलते हुए अवस्थाओं को भी मैंने देखा है। एंड ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री, और उनके इतिहास के विषय में सोचा है। एंड माइथ, और उनके पौराणिक कथा के विषय में सोचा है। एंड ट्रेडिशन, और उनकी परंपरा के विषय में सोचा है। एंड सॉन्ग एंड द स्टोरी, और उनके गीत और कहानी के विषय में सोचा है। दैट हैव बिकम अटैच, जो संबंधित हो चुका है टू देम, माने उनसे, जो उनसे संबंधित हो चुका है थ्रू द लॉन्ग एजेस, काफ़ी लंबे युगों से उनसे संबंधित हो चुका है। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उनके बहते हुए पानी का एक भाग बन गया है। द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। अबिलवेड ऑफ हर पीपुल, और भारत के लोगों की प्रिय है। राउंड भी जिसके चारों ओर आर इंटरटाइन हर रेशियल मेमोरीज, उनकी जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएँ और उसकी निराशाएँ, हर सांगा प्रम उसके विजय के गीत और उसकी जय और उसके पराजय जो है गुथे हुए हैं। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वो जो है भारत के लंबे युगों से जो है उनकी संस्कृति और सभ्यता की एक प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलती रही है। ईवर फ्लोइंग, जो हमेशा बहती रही है। एंड एट ईवर द सेम गंगा, लेकिन अब भी वही गंगा हैं। सी रिमाइंड मी दी स्नो कवर्ड पीक, वे जो है बर्फ से ढके हुए चोटियों की मुझे याद दिलाती हैं। एंड द डीप वैली जाफ हिमालयाज, और हिमालय के गहरे घाटियों की याद दिलाती है। हिच आई हैव लव सो मच, जिसे मैंने बहुत अधिक चाहा है। आप दी रिच एंड दी वास्ट प्लेन बिलो, विशाल जो है निचले जो है मैदानों को और उपजाऊ मैदानों को मैंने बहुत अधिक चाहा है। फेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन जो है और कार जो है ढाला गया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट,
प्रातःकाल सूरज की रोशनी में गंगा जो है मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती हैं एंड डार्क एंड ग्लोमी इन फुल ऑफ मिस्ट्री एट इवनिंग शैडोज फॉल। जब सायंकालीन परछाइयाँ गिरती हैं तो वो उदास दिखाई देते हैं एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य युक्त दिखाई देती हैं। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर और जाड़े की रीतम में वो सकरी और धीमी और एक शानधारा के रूप में दिखाई देती हैं एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून और मानसून की अवधि में वो एक विशाल गर्जना करती हुई प्रतीत होती हैं। अब ब्रॉड बोजम चौड़े पाट वाली या चौड़े सीने वाली दिखाई देती हैं ऑलमोस्ट एट द सी समुद्र के करीब समुद्र लगभग समुद्र के समान जो है वो चौड़े पाट वाली दिखाई देती हैं एंड बिस समथिंग ऑफ दिस इज पावर टू डिस्ट्रॉय और समुद्र के शक्ति की तरह नष्ट करने वाली दिखाई देती हैं। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल आई मेक फ्री ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया और गंगा जो है विगत भारत के जो है मेरे लिए जो है एक प्रतीक रही है और एक अस्मित रही है जो रनिंग इनटू द प्रेजेंट जो वर्तमान से चल करके और जो है भविष्य में एक महान सागर की ओर बह रही है।